दोस्तों, सामाजिक यूट्यूब चैनल समाज शक्ति दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं राजधन गोयल, ग्राम चैनपुर, ब्लॉक भैयाथान से। मुझे पंजा समाज का प्रचार प्रसार के लिए मीडिया प्रभारी के रूप में कार्य को सौंपा गया है, ताकि मैं हमारे समाज के रीति रिवाज एवं संस्कृति को प्रचार प्रसार कर सकूं और हमारे समाज को संगठित कर सकूं। तो मेरे पास जितना भी बन पाता है मैं प्रयास करता हूं, और जो भी जानकारी मुझे मिलती है मैं YouTube के माध्यम से उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। इसलिए आप सभी से निवेदन आग्रह करता हूं कि आप इस सामाजिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सामाजिक जो भी अपडेट आते हैं आप सभी को समय समय पर मिलते रहे। क्योंकि मीटिंग जो है बुलाया जाता है ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, तो हमारे सभी साथी लोगों का आना संभव नहीं हो पाता है। तो कम से कम इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके माध्यम से आपको घर बैठे ही जानकारी मिलते रहेगा। तो आज हम लोग एक बैठक के लिए जो है जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रामबाई देवांगा, जय जोहार, एक क्षेत्र पर महिला सशक्तिकरण से उत्थान समिति के उठाई में और पूरा मेरा उनका जिम्मेदारी दही है, और मेरा बहुत अच्छे से जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दही है कार्ड में वो क्षेत्र में मौका ढूंढना है और सबके एकजुट लेके चलना है। और हमारे के आदिवासी के लिए प्रेरित करना है ना। और हमें तो कब से लगे ही प्रयास भी करती कि हमारे का आदिवासी का ही हमारे रवन सहन सब आदिवासी का हम निगेटिव ही है। तो हमारे तो रवन सहन पूजा पाठ चलना उठना बैठना जंगल पहाड़ आना जाना कम उम्र ये सब आदिवासी का ही रूप रेखा है। तो कृपया हम उनके कैसा हो करके हमारे के आदिवासी बनाए, ताकि हम उनका बाल बच्चा मतलब भविष्य बन जाए। इतनी करके हमारे गाँव जतन सरेवा, ग्राम पंचायत भाड़ी छोटा हूँ, जनपद पंचायत रुड़की। मैं पहला समाज शक्ति उत्थान का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं इस कार्य में 4 दिन का समय अपना दूंगा, चाहे कहीं भी हो जाना पड़े मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार। मेरा पूर्व वस्त्रकार ग्राम सत्यनगर ले आज मोहिनी के पंचायत भवन प्रांगण में हमारे का समाज शक्ति उत्थान के छोटे अगर कार्यक्रम रखे गए रही, और इनमें सब कोई वही जुटे रहें, और कैसे समिति लागे बढ़ाना है, कैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग में हमारा भूमिका समाज ला शामिल कर दिए कर हमारे मुखिया मन बताई, और अगर पीछे लेके हमको कार्य करना है तब कहीं जाके हम अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में शामिल हो पा रही। एक बार जो मीटिंग रही और अगर मुख्य सदस्य बनाई है गाँव गली में जाके अपन समाज ला संगठित करें, इतनी कही तुम अपने भाई लगे राम जय। आज भैया थान ब्लॉक के ग्राम मोहली में पहला समाज का एक बैठक रखा गया, और बैठक का विषय था
20 तारीख को सूरजपुर के सूरजपुर में एक बैठक किया गया था, जिसमें जो पंडिका समाज के द्वारा पंडिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए शासन प्रशासन से जो समाज के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, 1978 से संघर्ष जारी है और पूर्व में राज्य के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, कलेक्टर, मंत्रियों को इस विषय में ज्ञापन सौंपा गया है कि पंडिका जाति को छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। तो इसके लिए हमारे सूरजपुर जिला के जो पंडिका उत्थान समिति के जो पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने एक सार्थक प्रयास किया है और अनुसूचित जनजाति विभाग का जो आयोग है, उस आयोग के मुखिया से, पदाधिकारियों से जाकर मिले हैं और ज्ञापन दिए हैं कि पंडिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। और वहां से अनुसूचित जनजाति आयोग से पंडिका समाज के जो प्रतिनिधि मंडल गए थे, जिसमें हमारे भैया खान ब्लॉक के श्री योगेश कुमार जी, दमनसरा निवासी, नवयुवक हैं, ये भी गए थे। उनको भैया खान का प्रभार दिया गया है और भैया खान के विभिन्न पंचायतों में जाकर श्री योगेश कुमार जी को निर्देश दिया गया है कि पंचायत स्तर पे समाज के लोगों का संगठन बनाए। जय जवाहर सबके। आज मुझे ग्राम पंचायत भैया खान को आप सूरजपुर पंडिका समाज जो आदिवासी पहले तो थे, लेकिन बीच में कुछ कारणवश आदिवासी से पिछड़ा वर्ग में डाला गया, लेकिन फिर से आदिवासी में शामिल करने के लिए संघर्ष जारी है। अब मुझे समिति की ओर से जिम्मेदारी भी दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जा करके अपने समाज को संदेश पहुँचाएँ और उसी कार्य के लिए यहाँ पर आकर बैठे थे, विचार विमर्श कर रहे थे आगे का रणनीति तैयार करने के लिए।